कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में ऐसी मंदी आई जिससे व्यापारी वर्ग अभी तक उभर नहीं सका है। इसके नुकसान की भरपाई करने के लिए भी समय लगेगा। फेस्टिवल सीजन से व्यापारियों में खुशी तो है, लेकिन लोगों में बढ़ रहे ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान से उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा सकती है। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना और अब ऑनलाइन शॉपिंग की मार उन पर पड़ रही है। समुचे शहर वासियों नूं ऑनलाइन शॉपिंग ना करते हुए व्यापारियों दी दुकानां ते जाके अपने जरूरत दा समान इह तिहारां दे सीजन च खरीदण दी बेनती करना। पहला ही कोरोना महाकाल बीमारी दे काल दे विच प्लस जिहड़े लॉकडाउन या अनलॉक जिद्दां हुण गवर्नमेंट दे प्रोसैस दे नाल व्यापारियों दी ऑलरेडी इकनोमिक जिहड़ा हैगा उह बहुत उहनां दा नुकसान होया। व्यापारियों ने हमेशा इस मुसीबत दे समें दे विच शहर वासियों दी क्या सारे पंजाब वासियों दी औखे समें च मदद करी है। सो हुण वेला हैगा शहर वासियों नूं भी व्यापारियों दी बाह फड़न दा, उहनां नूं भी इकनोमिक जिहड़े क्राइसिस ने उहनां चों बाहर कढ़न दा। सैकेंडली व्यापारी कोलों तुसीं समान अगर खरीदते हो वो थोनों वधिया क्वालिटी का समान दिंदा और जदे ही उसे टाइम थोनों डिलीवरी दिंदा और अगर रिप्लेसमेंट की लोड़ होती है तो नाल दे नाल करके दिंदा। ऑनलाइन दे विच थोड़ा समान पहली गल तां कोई टाइम लिमिट नहीं है या 7 या 10 दिन थोड़े कोल आउंदा, फिर अगर उहनूं वापसी करनी पैंदी है वो भी 7 या 10 दिन बाद हुंदी है। फिर आपां नूं सारे सोशल मीडिया ते देखदे हां भी कई तरह की ठगी हुंदी है, पैसे पवा के समान ना मिलना या समान मिलना तो डुप्लीकेट मिलना। सो मैं ही थोनों बेनती करूँगा भी अज शहर क्या अपने देश की इकोनमी अपने हाथ च है, अगर आप लोकल जो मार्केट दुकानदार बैठे हैं उन्होंने तो समान खरीदते हैं तो वो देश की इकोनमी देश के दे रहेगी। तो मेरी थोड़ा ये गुजारिश है अपने वालों भी तुम्हें अपील भी हैगी है थोड़ा सारे भी जो भी शॉपिंग तुम्हें करनी है वो मार्केट के दुकानदारों को ही करो तो जो अज उन्होंने औखे समय से आप फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग से भी व्यापारियों का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से उपभोक्ताओं के साथ ज्यादातर ठगी ही होती है, इसलिए उन्हें ऑफलाइन शॉपिंग ही करनी चाहिए। जब से कोरोना आया है तब से मार्केट की पोजीशन बहुत ही डाउन रही है। हमारी मार्केट में 50% के करीब शोरूम बंद भी हुए हैं, जिनके रेंट नहीं निकल रहे थे या सैलरी देनी मुश्किल थी। उसके अलावा अब जाके कुछ मार्केट संभली है, 50% के करीब काम अब मार्केट में आया है, पर अभी भी प्रॉपर कस्टमर घर से नहीं निकल रहा क्योंकि वो सारा के सारा ऑनलाइन शॉपिंग ले कर रहा है। जबकि सबसे बड़ी मार हम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण हम लोगों को नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं मिलता क्योंकि वो उसको टच करके नहीं देख सकते। हमारे स्टोर पर आने के उनको फील करेंगे, टच करके कपड़े की देख सकते हैं, किसी फैब्रिक का की क्वालिटी देख सकते हैं और हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। और हमारे पास कस्टमर को हर तरह की वैरायटी ऑनलाइन से ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम डेली अपडेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इसके अलावा हमारे सभी शोरूम जितने भी होते हैं सब हर दुकानदार उसको प्रॉपर सैनिटाइज कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है और कोरोना के जो भी रिलेटेड जो भी हमारे नॉर्म है पूरे कर रहे हैं। वहीं युवा वर्ग ऑफलाइन शॉपिंग के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि घर बैठे उन्हें मोबाइल फोन पर ज़्यादा वैरायटी कम दामों पर मिल रही है। ऑब्वियसली मैं थोड़ा शॉपिंग हम लोग ऑफलाइन भी करते हैं ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर है एज़ बिकॉज ऑनलाइन में हमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, ठीक है, और महासेल जब लगती है तो बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं, ज़्यादा किसी शॉप पे जाना नहीं पड़ता, हर जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सारी वैरायटीज़ के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ब्रांड सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन बेटर है और टाइम भी नहीं लगता कि हाँ इधर उधर जाना है स्पेसिफिकली, उसके लिए मैनेज करो भीड़ में। और अभी जो कोविड के चक्कर में इतना हर मार्केट में इतना क्राउड होता है और एक शॉप पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कुछ नहीं, तो वो बेटर है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और बेटर प्राइस में। तो अभी दिवाली जो है उस पर भी काफ़ी अच्छी सेल होगी, तो उसको आप कैसे ले रही हैं? मैं जैसे अभी फॉर एग्जांपल दशहरा सेल जो लगी हुई थी फेस्टिव सीजन की अभी चल रही है अमेज़न और फ्लिपकार्ट की, तो उसमें भी बहुत सारी शॉपिंग की है। सेम विद दिवाली पे भी हम अपने फैमिली के लिए गिफ्ट्स ले सकते हैं या फिर ऑफिस के लिए कुछ भी हमें परचेज़ करना होता है वो भी हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। मैं ले ही लेती हूँ, अक्सर करते हैं, तो इस बार भी विल ट्राई। बदलते दौर में जहां युवाओं में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है, वहीं व्यापारियों का कारोबार भी इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कारोबारियों को अपने तौर तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है, वरना वक्त के दौर में वो पिछड़ जाएंगे। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।